हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूज़र फॉर्म क्रिएट करना और आज हम यूज़र फॉर्म कोड लिखने से पहले बात करेंगे डेट फॉर्मेट इश्यू के बारे में। फ्रेंड्स, ज़्यादातर डेटा एंट्री के केस में कम से कम एक कॉलम डेट का होता ही है और हम डेट को यहाँ पर दिखाए हुए फॉर्मेट में लिखते हैं, या तो dd/mm/yy, dd/mm/yyyy, या फिर इस तरह से dd/mm/yy, या फिर dd/mm/yyyy इस फॉर्मेट में लिखते हैं। मैं ज़्यादातर इस फॉर्मेट में लिखना पसंद करता हूँ, जहाँ पर जो मंथ है वो अप्रैल जनवरी इस तरह से दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा 5/3/24, यानी कि 5 मार्च 2024, एंटर किया तो ये फॉर्मेट बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि मेरा जो एक्सेल है उसमें मैंने डेट फॉर्मेट इस तरह का सिलेक्ट किया हुआ है। कभी कभी ये 5 मार्च न बन के 3 मई बन जाता है, 5 मार्च की जगह 3 मई बन जाएगा, तो एक्सेल में इस तरह डेट फॉर्मेट का इश्यू कभी कभी रहता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी हम गलत डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे डेटा एंट्री फॉर्म में भी इस तरह का कोई इश्यू ना आए, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है। अब यहाँ पर हमने जो यूज़र फॉर्म क्रिएट किया था उसमें पहला टेक्स्ट बॉक्स था वो डेट का था, लेकिन डायरेक्ट हम इसमें डेट लिख नहीं सकते हैं, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और उसके लिए हम तीन तरह से यूज़र फॉर्म में डेट लिख सकते हैं। पहला है जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका प्रोसीजर है, दूसरा है अगर हम किसी कैलेंडर यूज़र फॉर्म का यूज़ करके इसमें डाल सकते हैं, और तीसरा है डेट पिकर का। लेकिन डेट पिकर सिर्फ और सिर्फ एक्सेल 32 बिट में यूज़ होता है, तो उसमें भी परेशानी होगी। अगर आपने यूज़र फॉर्म एक्सेल 32 बिट में बनाया है और डेट के लिए आपने डेट पिकर यूज़ किया है, तो जब ये प्रोग्राम आप एक्सेल 64 बिट में चलाएंगे तो वो एरर देगा, वहाँ पर आपकी डेट दिखाई नहीं देगी, आपको डेट पिकर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक्सेल 64 बिट के स्ट्रक्चर में डेट पिकर नहीं होता है। तो मेरी आपसे विनती है, आप चाहे एक्सेल 32 बिट में प्रोग्राम बनाओ या एक्सेल 64 बिट में, पर जहाँ आपको डेट की ज़रूरत है वहाँ या तो टेक्स्ट बॉक्स की आफ्टर अपडेट प्रोसीजर का यूज़ करें या फिर किसी कैलेंडर यूज़र फॉर्म का इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे चलिए समझाता हूँ। यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स पे हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स चेंज का प्रोसीजर आ रहा है, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो चेंज लिखा है वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है और आफ्टर अपडेट सिलेक्ट करना है, और ये जो चेंज वाला है उसको हम हटा देते हैं। अब इसके बीच में हमको कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है कि हम जो भी लिखेंगे यहाँ पर उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट कैसा हो जाएगा। तो यूज़र फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे me.textbox1.value=, अब फॉर्मेट सिलेक्ट करना है तो पहले हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट, ब्रैकेट ओपन, फिर से किसका फॉर्मेट चेंज करना है तो me.textbox1 का फॉर्मेट चेंज करना है, .value, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा डेट फॉर्मेट हम लिखेंगे जो आपको सही लगे वो। मैं लिखता हूँ dd/mm/yyyy, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद और एंटर। चलिए यूज़र फॉर्म रन करते हैं।
देखिए यहाँ पर हमको लिखना है, जैसे आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट है 8 मार्च 2024, तो मैं इस तरह से लिखूँगा 8-3-24 और एंटर करूँगा तो फॉर्मेट बन जाएगा 8-3-24। चलिए अब बात करते हैं कैलेंडर यूज़र फॉर्म की। मेरे पास एक कैलेंडर यूज़र फॉर्म है जिसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसकी मदद से इस टेक्स्ट बॉक्स में हम डेट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने ये देखिए कैलेंडर यूज़र फॉर्म है, ओपन करेंगे। इस तरह का कैलेंडर यूज़र फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। फिर से हमारे यूज़र फॉर्म पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो कैलेंडर है उसको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाने के लिए हमें एक कमांड बटन या फिर किसी लेबल की मदद से उसको दिखाना पड़ेगा। हम कमांड बटन ले लेते हैं। ये हमने कमांड बटन ले लिया, यहाँ पर साइड में उसको लगा दिया। इसका कैप्शन यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में इसका कैप्शन है उसको हटा देंगे, डिलीट। और यहाँ पर हम कैलेंडर का पिक्चर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये पिक्चर है प्रॉपर्टी विंडो में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और मैंने यहाँ पर पहले से ये दो JPG आइकॉन लगाए हुए हैं, किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। देखिए एक कैलेंडर का पिक्चर यहाँ पर सेट हो गया है। इस कमांड बटन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको एक कोड लिखना है, कॉल कैलेंडर डॉट सिलेक्टेड डेट ब्रैकेट ओपन। कहाँ पर हमको डेट दिखानी है तो यूज़र फॉर्म 1 के टेक्स्ट बॉक्स 1 में हमें डेट दिखानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र फॉर्म 1, जो भी आपके फॉर्म का नाम है वो, डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, ब्रैकेट बंद और एंटर। बस हमारा काम हो गया। चलिए यूज़र फॉर्म ओपन करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर आज की डेट सिलेक्ट करते हैं, देखिए 8 मार्च। अब यहाँ पर ये 8 मार्च 2024 इस तरह से क्यों आया है, क्योंकि जो एक कैलेंडर यूज़र फॉर्म है उसमें मैंने फॉर्मेट ये रखा है DMMMYYYY। अब यहाँ पर हमको जो ये अपडेट वाला था आफ्टर अपडेट, उसको सिलेक्ट करके कमेंट बना देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैलेंडर की मदद से यहाँ पर डेट डालनी है। तो डेट दिखाने के लिए कोई भी एक कोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दो कोड एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें जानेंगे अब सेव डेटा का कोड कैसे लिखते हैं, सर्च डेटा का कोड कैसे लिखते हैं और अपडेट डेटा का कोड कैसे लिखते हैं। फिर से एक बार आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।